आपका राशिफल कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं पंडित संदीप भारद्वाज। हर सुबह आपकी राशियों के बारे में, आपकी दिनचर्या के बारे में, किसी विशेष ग्रह का बकरी मार्गी होना उसके बारे में, और कोई पर्व पड़ रहा हो तो उसके बारे में हम हर सुबह जानकारी आपको मुहैया करवाते हैं। तो आज भी आपको इसी प्रकार की चर्चा में भाग लेने के लिए आमंत्रित करते हैं, और हम आपको बताएंगे कि श्रावण मास में भोलेनाथ किन किन राशियों के ऊपर अपनी विशेष कृपा दृष्टि बरसा सकते हैं उसके बारे में जानकारी। तो सबसे पहले बात आज के पंचांग की। 7 अगस्त शनिवार का दिन सन 2021 लगा हुआ है। सूर्योदय सुबह 5:51 पर, शाम को अस्त होंगे 7:13 पर। विक्रमी संवत 2078 राक्षस नाम चल रहा है। कृष्ण पक्ष तिथि चतुर्दशी नक्षत्र पुनर्वसु योग सिद्धि। सूर्य का भ्रमण कर्क राशि में, चंद्रमा भ्रमण कर रहे हैं कर्क राशि में। राहु काल का समय सुबह 9:12 से 10:52 तक रहेगा। आज का अभिजित मुहूर्त 12:05 से 1 बजे तक चलेगा। आज आपको बताएंगे कि श्रावण मास में किन राशियों के ऊपर भगवान भोलेनाथ अपनी कृपा दृष्टि कर सकते हैं और आपके किस्मत के दरवाजे खोल सकते हैं। ज्योतिष यानी कि एस्ट्रोलॉजी में हर राशि की विशेषताएं बताते हुए ये भी बताया गया है कि कुछ खास राशियों पर भगवान की विशेष कृपा रहती है। जैसे हनुमान जी कुछ राशियों पर मेहमान रहते हैं, तो वहीं भगवान विष्णु भी कुछ विशेष राशियों पर अपनी कृपा बरसाते हैं। इसी तरह भगवान शंकर भी कुछ खास राशियों पर अपनी कृपा दृष्टि रखते हुए आज हम आपको बताते हैं कि कौन सी हैं वो राशियाँ जिन पर सावन के महीने में भगवान शिव अपनी विशेष कृपा दृष्टि बरसा सकते हैं और आपको आपके सौभाग्य का रास्ता भी दिखाई देगा। सब प्रथम बात करेंगे वृषभ राशि की। इस राशि के जातकों के लिए ये महीना अच्छा रहेगा। काम का बोझ बनने से थकान तो लगेगी, लेकिन आत्मविश्वास, साहस और पॉजिटिविटी बनने से अटके हुए काम पूरे होंगे, खुशियाँ मिलेंगी, भाग्य का साथ मिलेगा, कैरियर में अच्छी सफलता मिलेगी। और मिथुन की बात करें तो सावन के इस महीने में भाग्य उदय हो सकता है। विशेष तौर पर नौकरी पेशा वर्ग के लिए समय बहुत अच्छा, आर्थिक स्थिति बेहतर, मान सम्मान बढ़ेगा, शत्रुओं पर विजय प्राप्त हो सकती है। अब बात करेंगे कर्क राशि की। कर्क राशि के जो जातक हैं, इन राशि वालों को कार्य क्षेत्र में अच्छी तरक्की मिलेगी। सही समय पर सही निर्णय लेंगे तो वह भविष्य के बहुत अच्छे नतीजे देंगे। धर्म कर्म में रुचि बढ़ेगी, धन लाभ होगा। अब बात करेंगे तुला राशि की। तुला राशि वालों के लिए भी ये महीना शुभ रहेगा। भगवान शिव की कृपा से कैरियर में सफलता मिलेगी, व्यापार बढ़ेगा, घर में खुशहाली रहेगी। अब बात करेंगे कुंभ राशि वालों की। कुंभ राशि वालों के लिए ये महीना बहुत ही अच्छा रहने वाला। लगभग हर काम में सफलता, शत्रुओं पर विजय, मान सम्मान में वृद्धि, नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो लोगों को शुभ समाचार सुनने को मिल सकते हैं, कहीं से अचानक पैसे भी मिल सकते हैं। अब बात करेंगे मीन राशि वालों की। इन राशि वालों को धन लाभ होने के प्रबल योग, कामों में सफलता मिलेगी, मेहनत का दामन ना छोड़ें और सकारात्मक सोच रखें। तो ये थी वो राशियाँ जो सावन महीने में भगवान शिव का विशेष आशीर्वाद प्राप्त कर सकती हैं। आप भगवान शिव की आराधना करते रहें, कच्चा दूध, तिल, शहद भगवान शिव को अर्पित करते रहें, बिलपत्री, अक, धतूरा, भंग चढ़ाते रहें, सफ़ेद पुष्पों की माला भगवान को हर रोज़ पहनाते रहें और भगवान से कपूर की आरती भगवान की अवश्य किया करें, जिससे आपकी सर्व मनोकामनाएँ जल्द से जल्द पूर्ण हो। तो ये थी जानकारी उन राशियों के बारे में। अगर आप चाहते हैं कि आप और अधिक जानकारी लें राशियों को लेकर, तो आप हमारे ऑफिस में विजिट कर सकते हैं। हमें मिलने का समय सुबह 9:00 से लेकर 2:00 तक, शाम 4:00 से लेकर 6:00 तक रहता है। आने से पहले एक फ़ोन कॉल अवश्य करें और जब भी ऑफिस में आए मास्क पहन कर आएँ। हमारे इस कार्यक्रम को यूट्यूब के ऊपर भी देख सकते हैं। संदीप भारद्वाज राशिफल लिखकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें और फेसबुक पर एस्ट्रो संदीप भारद्वाज हमारे पेज को लाइक व शेयर अवश्य कर दें। आपको जहाँ पर बताते चलें कि हमारे इस पेज के ऊपर यानी कि एस्ट्रो संदीप भारद्वाज इस पेज के ऊपर शनिवार शाम 5:30 से लेकर 6:30 तक हमारा एक लाइव टेलीकास्ट प्रोग्राम प्ले होता है। इस कार्यक्रम में हम आपसे आपकी डेट ऑफ बर्थ और टाइम पूछकर उसी समय लाइव आपसे बात करते हैं। 1 घंटे का ये कार्यक्रम होता है और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। तो याद रखें, अगर आप इंटरेस्टेड हैं
अपनी कुंडली का विमोचन करवाने के लिए, तो शनिवार शाम 5:30 बजे से लेकर 6:30 बजे तक हमारा ये लाइव कार्यक्रम देखना ना भूलें। धन्यवाद। तो आइए चर्चा शुरू करते हैं मेष यानी कि एरस को लेकर। मेष यानी कि एरस, आज कुछ बातों पर आपको पछतावा हो सकता है। ध्यान रखें, भविष्य की परिस्थितियों को बेहतर बनाए रखने के लिए व्यवहार के प्रति सावधान रहना होगा। मन विचलित महसूस कर रहा है तो मेडिटेशन और ध्यान लगाना उपयुक्त होगा। व्यापारिक मामलों में किसी दूसरे पर निर्भर ना रहें, अन्यथा आर्थिक नुकसान हो सकता है। फुटकर कारोबारियों को सामान की एक्सपायरी चेक करते रहनी होगी। महामारी को देखते हुए अपनी प्रतिष्ठान में सुरक्षा के उपाय मजबूत रखें। युवाओं का किसी बात पर झगड़ा हो सकता है, व्यवहार सीमित रखें। महामारी के प्रति अलर्ट रहते हुए सभी नियमों का पालन करें। कुल में वृद्धि की संभावनाएं, अपनों से मिलने का मौका मिलेगा। वृषभ यानी कि टॉरस, आज के दिन कल्पनाओं को छोड़कर वास्तविकता की जमीन पर बने रहने होगा आपके लिए ठीक, अन्यथा भविष्य में कठिन चुनौतियां आपके सामने आ सकती हैं। पूजा पाठ से, अध्यात्म से जुड़े किसी कार्य में सम्मिलित हैं तो उसे ब्रेक ना करें। किसी भी विषय पर चिंतन स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं। गुप्त शत्रुओं से सावधान रहने की जरूरत। आपके प्रदर्शन का लाभ वे खुद खींच सकते हैं। कारोबारियों के लिए दिन निराशाजनक हो सकता है, घाटे से मन उदास रहेगा। स्वास्थ्य को लेकर तबीयत थोड़ी नरम हो सकती है। खुद को स्फूर्तिवान रखने के लिए योग और ध्यान करना लाभप्रद। आस पड़ोस के अशुभ समाचार मिलने की आशंका। मिथुन यानी कि जैमिनी, आज खुद को सकारात्मक बनाए रखना होगा। परिवार को आपकी जरूरत पड़ सकती है। आर्थिक तौर पर मजबूती मिलने से मन प्रसन्न रहेगा। मार्केटिंग क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए कुछ परेशानी हो सकती है। अपने कामकाज के तरीके में थोड़ा बहुत बदलाव लाने का प्रयास करें। कारोबारियों को अब ऑनलाइन व्यापार पर अधिक फोकस करने की जरूरत। आपके कार्यालय में प्रचार प्रसार पर आपको जोर देना होगा। युवा वर्ग अपनी योग्यता और निखारने का प्रयास करें। निकट भविष्य में आने वाले कॉम्पिटिशन को देखते हुए समय उपयुक्त। स्वास्थ्य की दृष्टि से आंखों में जलन होने की आशंका। घर के कार्यों को आज अधिक प्राथमिकता देनी होगी। कर्क यानी कि कैंसर, आज संभव हो तो जरूरी कामों को बंद कर रिलैक्स करें। दिमाग पूरी तरह सक्रिय रखने के लिए फार्मूला बहुत कारगर रहेगा। महामारी के प्रति सजग रहने के लिए अत्यधिक चिंतन ठीक नहीं। अपनी वाणी का मूल समझें, सभी के साथ अच्छा व्यवहार करें। इलेक्ट्रॉनिक सामान के कारोबारियों के लिए बहुत अच्छा लाभ वाला दिन। युवा वर्ग ऑनलाइन काम करते हुए अनावश्यक चीज़ों को शेयर करना ठीक नहीं। स्वास्थ्य संबंधी स्थितियों में सुधार होता हुआ दिख रहा है। परिवार में रिश्तों की डोर को मजबूत करें। दाम्पत्य जीवन खुशहाल रहेगा। अगर आप कोई घरेलू निर्णय लेने जा रहे हैं तो आम राय के साथ सोच समझकर ही लें। सिंह यानी कि लियो, आज का दिन सुख लाभ और उन्नतिदायक रहेगा। कामकाज में नयापन आपको सफलता के द्वार तक पहुंचाएगा। नौकरी पेशा लोगों को तरक्की के लिए पूरे परिश्रम के साथ प्रयास करना होगा। रुके हुए कामों में आज हिम्मत ना हारें, उन्हें दोबारा सफल बनाने के लिए ठोस प्लानिंग करें। कारोबारियों के लिए समय अच्छा, निवेश को लेकर भी प्लानिंग कर सकते हैं। युवाओं को शिक्षा पर ध्यान देने का यही सही समय। खुद को भविष्य की चुनौतियों के हिसाब से अपडेट करते रहना होगा। स्वास्थ्य को लेकर पहले से बीमार चल रहे लोगों को सतर्क रहना होगा। संपत्ति से संबंधित मामलों में सफलता मिलती हुई दिख रही है। कन्या यानी कि वीर को, आज के दिन लक्ष्य तक पहुंचने के लिए दाव पेच की जरूरत पड़ेगी। किसी को नुकसान पहुंचाए बगैर अपने लाभ के प्रति केंद्रित रहना होगा। मन में कोई उलझन है तो एक आदत होने के लिए धार्मिक पुस्तकों को पढ़ सकते हैं। मनपसंद रचनात्मक कार्यों को भी करने से लाभ होगा। व्यापार में अनुभव कम है तो कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पहले वरिष्ठजनों की सलाह जरूर लें। युवा वर्ग पूरी तरह एकाग्र हैं तो स्वास्थ्य की दृष्टि से जो भी नशे में हैं, किसी भी प्रकार के व्यसन से लिप्त हैं, उनको रक्त में इन्फेक्शन की आशंका बढ़ सकती है। दोस्तों को भी फोन करके उनका हालचाल पूछते रहना होगा। आगे है अन्य राशियों का राशिसार।
मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। नए पंख, नया आकाश, नई उड़ान, कर्म विशेष, ज्योतिष विशेष, जादू नहीं जागृति, भ्रम नहीं हकीकत, सपना नहीं यथार्थ, हम बताएं आज बनाए नया कल। खरे सोने सर्व सच जो आपकी जन्म कुंडली में है, ग्रहों के प्रभाव में है, विवाह नहीं हो रहा, कहीं बात नहीं बन रही, पैसा पानी की तरह बहा जा रहा है, बच्चे कहने से बाहर हैं और संतान का अभाव है, तो हमें बताइए, हम लाएंगे आपके लिए एक नया सवेरा। आपकी विदेश यात्रा नहीं हो रही और आप लगातार नशे में जकड़े जा रहे हैं, नौकरी और व्यापार में लगातार निराशा मिल रही है, तो इसका जवाब है हमारे पास। वर्षों का अनुभव, लाखों का विश्वास, देश विदेश के कई शहरों में प्रतिष्ठित नाम, पंडित संदीप भारद्वाज। तो देरी क्यों, आज ही मिले पंडित संदीप भारद्वाज राणा, मेन बाजार हैदराबाद फगवाड़ा। फोन नंबर 01824275672, 9876413288, 9815268677। क्या आप अपनी किसी भी परेशानी या मसले को हल करवाना चाहते हैं? बच्चों के भविष्य, रिलेशनशिप, करियर, बिजनेस, आने वाले कल या बीते हुए समय से संबंधित सभी सवालों के जवाब तुरंत पाइए। फ्री इनिशियल कंसल्टेशन के लिए आज ही संपर्क करें पंडित संदीप जी को, जो अपने तजुर्बे और उत्कृष्ट ज्ञान से आपके जीवन को संवार सकते हैं। फोन 01824275672, मोबाइल 9876413288। डिस्कवर हाउ एस्ट्रोलॉजी कैन शेप योर लाइफ विद पंडित संदीप जी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बात उन जातकों की जिनका कल जन्मदिन है। सब प्रथम आपको हार्दिक शुभमंगल कामनाएं। तो कल रविवार के दिन नारियल का तेल और बादाम किसी गरीब के घर में दान करें। तो कल रविवार के दिन आपका जन्मदिन पड़ने जा रहा है, तो उसके लिए खास आप क्या करें, आंखों की दवाई किसी गरीब के घर में दान कर सकते हैं। और कल नारियल का तेल और बादाम किसी धार्मिक स्थल पर या किसी गरीब के घर में दे सकते हैं। सूर्य को कल मीठे जल का अर्घ अवश्य दें। 10 बार या 28 बार गायत्री मंत्र का जप अवश्य करें और हो सके तो कल लाल रंग का रुमाल या लाल रंग के बस्तर धारण अवश्य करें, आपका कल्याण होगा। तो ये थी जानकारी आपके जन्मदिन को लेकर। आइए अब चर्चा शुरू करते हैं तुला यानी कि लिब्रा से। आज के दिन किसी भी कम महत्वपूर्ण बात को तूल देने से राई का पहाड़ बन सकता है, इसलिए बहुत सीमित व्यवहार रखें, खुद को केंद्रित रखें, इससे आपको कार्य करने की सतत ऊर्जा मिलती रहेगी। सहकर्मियों का पूरा साथ मिलेगा। बैंक, कारोबारी, सरकारी दस्तावेज बहुत मजबूत रखें, अन्यथा सरकारी कार्रवाई की चपेट में आ सकते हैं। युवाओं को फील्ड में नई चुनौतियां मिलेंगी। खुद को मानसिक तौर पर तैयार करके रखें, गला खराब होने या जुकाम के प्रति सतर्क रहना होगा। महामारी को देखते हुए सुरक्षा के सभी इंतजाम पूरे करके रखें। परिवार की आर्थिक चिंता सता सकती है, आजीविका के नए साधन आप शुरू कर सकते हैं। वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो, आज के दिन वाक्पटुता से लोगों को प्रभावित कर पाएंगे। सफल व्यक्तियों के सानिध्य में दृष्टिकोण में बदलाव आएगा, इसे सकारात्मक रूप से अपने जीवन में आत्मसात करने का प्रयास करें। कारोबारियों के लिए दिन चुनौतीपूर्ण हो सकता है, कम बिक्री से मन उदास रहेगा। वहीं पार्टनरशिप में काम करने वालों के लिए लाभ का समय। युवाओं को कुसंगति भारी पड़ सकती है, ध्यान रखना होगा। अभिभावक दोस्तों के साथ क्रॉस चेक करते रहें। हेल्थ में हाइपर एसिडिटी के प्रति सजग रहना होगा। परिजनों से दूर रहें, लोगों को फोन से संपर्क साधना चाहिए, अगर उन्हें कोई जरूरत है तो हर संभव मदद करते रहें। धनु यानी कि सेजिटेरियस, आज आपको सभी के सहयोग की जरूरत पड़ेगी। सरकार या शासन से जुड़े हैं जो दिन शुभ रहेगा। वाणी में विनम्रता बनाए रखें, अन्यथा बनते हुए काम बिगड़ सकते हैं। कामकाज की प्लानिंग मजबूत रखें, सफलता सुनिश्चित रहेगी। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का कारोबार करने वालों को फिलहाल धैर्य रखने की जरूरत। कोई बड़ा निवेश करने से पहले गंभीरता से सोच विचार जरूर करें। युवाओं को सोशल मीडिया का प्रयोग सजग होकर करना होगा। अपना महत्वपूर्ण डाटा किसी से शेयर ना करें।
रक्तचाप के रोगियों को सचेत रहना होगा। बेवजह के क्रोध या तनावपूर्ण स्थिति से बचें। जीवन साथी के साथ संबंध मधुर होंगे। परिवार में सभी से सहयोग मिलेगा। मकर चने की कैप्रिकॉन, आज के दिन आपको कुछ खुशखबरियां सुनने को मिल सकती हैं, जिससे आपका मन प्रसन्नता से झूमने लगेगा। अपना काम पूरी तरह समर्पण और लगन के साथ पूरा करें। बॉस की कोई भी बात को अनदेखा ना करें। ऑफिस में मीटिंग की अगुवाई करनी पड़ सकती है। कारोबारियों को कामकाज में रुकावट आने के चलते परेशानी उठानी पड़ सकती है। फुटकर उपभोक्ता मनचाही चीज़ों को डिमांड करेंगे, इसके लिए आपको स्टॉक मेंटेन करते रहना होगा। सेहत में ठंडी चीज़ों का फिलहाल सेवन ना करें, लापरवाही से गंभीर बीमारी के शिकार हो सकते हैं। कुंभ यानी कि एक्वेरियस, आज आपकी छोटी सी चूक परेशानी का कारण बन सकती है, इसलिए कोई भी लापरवाही ना बरतें। अनायास समय गंवाने वाले मनोरंजन से दूर रहते हुए ज्ञान में बढ़ोतरी का प्रयास करें। ऑफिशियल कामकाज अगर अधिक है तो उन्हें पूरा करने का प्रयास करें। ध्यान रहे कि बॉस की ओर से सौंपे गए किसी भी काम में कोई लापरवाही ना होने पाए। बेहद जरूरी सेवाओं से जुड़े कारोबारियों को सक्रिय रहना है। युवा वर्ग अत्यधिक मोबाइल या टीवी में समय बर्बाद ना करें। सिर के पीछे दर्द की आशंका, शारीरिक कमजोरी भी महसूस हो सकती है। परिवार में बड़े भाइयों के साथ संबंध अच्छे रहेंगे। मीन यानी कि पाइसेस, आज आपको मानसिक तौर पर बहुत मजबूत रहने की जरूरत। खुद को सक्रिय रहने से आपके लिए लाभ की परिस्थितियां बनेंगी। सरकारी अवस्था में हैं तो नियम और कानूनों को पूरी तरह से पालन करें। अपनी कलम बचा कर रखें। बॉस आपके प्रदर्शन से खुश होकर प्रमोशन के लिए आपकी सिफारिश कर सकते हैं। सोने चांदी के कारोबारियों को अन्य दिनों की अपेक्षा अच्छा मुनाफा होने की संभावना। वरिष्ठ जनों का समर्थन पाने के लिए युवाओं को पूरे आदर के साथ व्यवहार करना होगा। बेहतर स्वास्थ्य के लिए खान पान में कोई लापरवाही ना बरतें। परिवार में सभी का सम्मान करें, अन्यथा संबंधों में दरार आ सकती है। तो ये था आपका आज का राशिफल। आज का दिन आप सभी के लिए मंगलमय हो, कल्याणकारी हो, इन्हीं शुभकामनाओं सहित कल सुबह इसी समय इसी चैनल के ऊपर आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए पंडित संदीप भारद्वाज को इजाजत दीजिए। मेरा आप सभी को सादर नमस्कार।